हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। भगवत गीता का हम एक दो श्लोक ले रहे हैं आज, अध्याय 10 और श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो 10वां अध्याय है। 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अर्जुन जब युद्ध भूमि में आया उस समय वो बहुत कंफ्यूज्ड था और भगवान ने धीरे धीरे करके उसे ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय में भगवान ने उसे शॉर्ट में सारा ज्ञान दिया, परंतु जब अर्जुन प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो भगवान उसके सारे प्रश्नों का समाधान करते गए और 10वें अध्याय तक में अर्जुन समझ गया कि जो हमारा मित्र है कृष्ण या जो हमारा भाई है कृष्ण, जिसके साथ हम खेले कूदे उठे बैठे, वो वास्तव में परम भगवान है। कृष्ण भगवान ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जो हमें दर्शाता है कि ये परम भगवान है। जैसे वो जब छोटे थे तो उन्होंने पूतना का वध किया, पूतना नामक राक्षसी का वध किया उन्होंने, मात्र 10 दिन के थे वो। उसके बाद उन्होंने शकटासुर और वत्सासुर, केशी, अघासुर, ऐसे बहुत सारे असुरों का वध किया उन्होंने। 11 साल की उम्र के पहले उन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया और गोवर्धन पर्वत भी उठाया। 11 साल की उम्र में वो अक्रूर जी के साथ मथुरा गए, तो तब तक उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की जिससे उन दिनों जितने लोग थे, जो भक्त किस्म के लोग थे जिनके अंदर श्रद्धा थी, वो समझ गए कि कृष्ण परम भगवान है। अर्जुन कृष्ण भगवान से थोड़े दूर रहते थे, हस्तिनापुर और जो अभी दिल्ली है करीब करीब, वहीं पे हस्तिनापुर था और कुरुक्षेत्र अभी भी है। तो भगवान और अर्जुन में भाई का संबंध है। कुंती माता कृष्ण भगवान की बुआ है, वसुदेव जी की बहन, तो दोनों बचपन से ही खेलते कूदते आए, सब कुछ उनका नॉर्मल सख्य भाव में हुआ। बहुत प्रकार के भाव होते हैं भगवान के साथ प्रेम करने के, तो अर्जुन सख्य भाव में था। अब जब युद्ध भूमि में लड़ाई हो रही है, होने वाली है, तो अर्जुन परेशान है और भगवान बोल दिए हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन जब देखा कि मेरे सामने भीष्म पितामह हैं, मेरे बहुत सारे चचेरे भाई हैं, मेरे बहुत सारे मामा हैं और गुरु हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि सब हैं, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। फिर भगवान और सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं हुआ, वो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके सिर में दर्द होने लगा और उसका सिर चकराने लगा, उसके हाथ से गांडीव गिरने लगा, ऐसे बहुत सारे उसके लक्षण प्रकट हो गए जो कि एक अस्वस्थ व्यक्ति का होता है। तब भगवान ने अर्जुन को, भगवान फिर भी उसे ज्ञान नहीं दिए। जब अर्जुन ये कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। और जब भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम्हारा बहुत बार जन्म हुआ है, मैं भी बहुत बार तुम्हारे साथ रहा हूँ, पर तुम भूल गए क्योंकि तुम मनुष्य हो और मैं जानता हूँ सब कुछ क्योंकि मैं भगवान हूँ।
ऐसा भगवान बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरा कोई मेरे कोई माता पिता नहीं है, ऐसा ज्ञान देते हैं। भगवान के सारे ज्ञान को सुन करके उसके पहले ही वो मिले थे नारद मुनि से और असित देवल ऋषियों से, जिन्होंने कहा था कि कृष्ण परम भगवान है। और अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ, मेरे पहले कोई नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन को याद आ रही है कि हाँ हाँ, इसके पहले मैंने सुना है, देवर्षि नारद से मैंने सुना है, असित से सुना है, देवल मुनि से सुना है कि कृष्ण परम भगवान है। तो इतनी सारी लीलाओं को करने के बाद संत महात्मा अच्छे से जान गए थे कृष्ण परम भगवान है, अर्जुन नहीं समझा था तब तक, अब अर्जुन समझ रहा है। तो इसलिए अर्जुन खुद कह रहा है कि अब तो मुझे भी समझ में आ गया है, और आप खुद भी कह रहे हैं कि, हालांकि अर्जुन जब जान जाता है तो 11वें अध्याय में भगवान से विनती करता है कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, और भगवान उसको दिखाते हैं 11वें अध्याय में। तब तो अर्जुन डर जाता है, बोलता भगवान आप बंद करिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा आपके इस प्रकाश को, और जो भगवान का प्रकाश होता है बहुत तेज, वो अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो अर्जुन यहाँ कह रहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, आप परम भगवान हैं, सब भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं उनको आप भगवान कह सकते हैं, सब कंट्रोलर हैं, सब ईश्वर हैं, लेकिन परम भगवान कौन है? आप हैं परम भगवान। तो परम ब्रह्म और परम ब्रह्म भी हैं, जो सृष्टि का स्रोत है, जहाँ से सब शुरू हुआ है, वो हैं भगवान, आदि वैकुंठ में रहते हैं परम भगवान। तो आप परम भगवान भी हैं, आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, परम धाम हैं, पूर्ण पवित्र हैं, ये सारे अलग अलग प्रकार के नामों से पुकार रहा है अर्जुन, और कह रहा है अर्जुन कि आप दिव्य भी हैं, आप भौतिक नहीं हैं, आप दिव्य और पुरुष हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान परम भगवान नहीं है, या स्रोत जो है सबका स्रोत है वो पुरुष नहीं है, वो कुछ निर्विशेष है। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं, और आप एक पुरुष हैं और शाश्वत हैं, दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु होती है, भगवान का सिर्फ रूप बदलता है। यानी कि आज आपको भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कल दूसरे युग में राम के रूप में दिखाई दे सकते हैं, तीसरे युग में वराह के रूप में, मत्स्य के रूप में, कुर्म के रूप में, अलग अलग रूपों में भगवान लीला करते हैं, पर भगवान मरते नहीं हैं। दुनिया को कुछ भी लग सकता है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो संत महात्मा सिद्ध पुरुष हैं, जो भक्त हैं, वो चाहे भगवान मछली बने, चाहे भगवान नरसिंह बने, चाहे भगवान कुर्म बने, वराह बने, उनको वो पहचान जाते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर में दिव्य लक्षण होते हैं, सच्चिदानंद विग्रह उनका स्वरूप होता है, इसलिए वो उनको पहचान जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान में और मनुष्य में बहुत अंतर है। भगवान अजन्मा है। अगर आपको लगेगा कि भगवान तो द्वापर में आए थे तो कैसे हो गए अजन्मा, तो जैसे सूर्य देवता रोज सुबह सुबह हमको दिखते हैं पूरब दिशा की तरफ, और शाम को लगता है गायब हो गए सूर्य, अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं सूर्य। आज हम लोग सब साइंस के बल पे जानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, सूर्य तो है कहीं ना कहीं, पर हमको दिख नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पे रात हो जाएगी, अमेरिका में दिन हो जाएगा, अमेरिका में जब रात हो जाएगी तो यहाँ दिन हो जाएगा। तो सूर्य क्या किए, अपना स्थान बदल लिए, या तो पृथ्वी स्थान बदल लिया, जो भी आप समझिए। शास्त्र के अनुसार सूर्य बदल लेता है, लेकिन साइंस के अनुसार पृथ्वी बदल लेती है, जो भी रीज़न आप समझिए। तो सूर्य खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, भगवान मरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को तीर मारा और भगवान मर गए, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान लोगों के सामने कुछ भी लीला कर सकते हैं, या तो
भगवान एक मनुष्य की तरह दिख सकते हैं, पर भगवान एक छोटा सा बच्चा 10 दिन का इतने बड़े राक्षसी का वध नहीं कर सकता है, यदि यह सत्य है। आज भी गोवर्धन पर्वत है, उस गोवर्धन पर्वत को 1-7 साल का बच्चा नहीं उठा सकता है। तो यदि ये सत्य है कि 7 साल के बच्चे ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और 7 दिनों तक और 7 रातों तक अपने छोटी उंगली पर रखा था, तो वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस है, इसको आप समझ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सब झूठ है, तो झूठ कैसे है? आज भी श्रीलंका के और हिंदुस्तान के बीच में जो पर्वत बना था उसका अवशेष दिखाई देता है। आज भी कुरुक्षेत्र है, अयोध्या है, द्वारका है, मथुरा है, सब कुछ है, जनकपुर है। तो ये जो ग्रंथ हैं, चूंकि ये बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आज आपको कोई कहे कि हम ऐसे में लिखते हैं कि महात्मा गांधी एक धोती को 2 टुकड़े में कर उसको पहनकर इंग्लैंड गए थे, तो ये लगता है ना कि ये संभव कैसे है? कोई भी व्यक्ति सिर्फ धोती में कैसे जाएगा इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है, इतना बर्फ जमा रहता है। पर ये सत्य है, चूंकि ये बहुत पुराना सत्य नहीं है, इसीलिए आप विश्वास करते हैं। और 5,000 साल पुराना सत्य हो या लाखों वर्षों पुराना सत्य हो, तो वो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बदल गई है। जैसे आज से 50 साल पहले कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था कि सबके हाथ में एक फ़ोन होगा और उस फ़ोन से वो कहीं से कहीं बात कर सकता है। लैंडलाइन का फ़ोन हो गया तो यही बड़े आश्चर्य की बात थी, पर ऐसा फ़ोन जिससे अभी 1 सेकंड के अंदर आप अमेरिका दबा देंगे और आप बात कर लेंगे अपने बच्चे से या अपने किसी दोस्त से, ये तो कल्पना नहीं किया था। पर हमने अपने समय में ही, हमारे जिंदा रहते हुए ही इतना परिवर्तन हमने देखा। तो आज से आप 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जाएंगे और लाखों साल पहले जाएंगे, जिस समय रामचंद्र जी का त्रेता युग हुआ था, तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, हमारे दिमाग में नहीं घुसता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस लायक नहीं है, उस तत्व को समझने के लायक नहीं है। तो हरि बोल, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। हरि बोल, हरि बोल।